हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक दिल से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले आरजीपीबी ने डिप्लोमा, डी फार्मेसी, पॉलीटेक्निक, साथ के साथ डिग्री वालों जैसा कि बीई, बीटेक, बी फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर, साथ के साथ फोर्थ सेमेस्टर बैकलॉग एग्जामिनेशन के रिजल्ट वगैरह जारी कर दिए हैं। तो यार, रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट को बैक भी आई है और कुछ स्टूडेंट का यूएफएम बना है। तो यूएफएम वालों का तो अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, हो सकता है 1 वीक में आ जाए या फिर 10 डेज में आ जाए, और कभी कभी डिले होता है तो फिर 15 दिन भी लग सकते हैं। साथ साथ आपको बता दें कि भाई बी फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर और जो आपका रिसेंटली रिवोल्यूशन का रिजल्ट आया है डिप्लोमा वालों का, उनमें बहुत सारे स्टूडेंट को बैक आई है, खासकर बी फार्मेसी, क्योंकि बी फार्मेसी के पेपर्स थोड़े टफ आए थे। साथ साथ आपको पता होगा ही अगर आप बीई बीटेक वाले हैं कि बी फार्मेसी के पहले आपका रिजल्ट आ गया था बीटेक वालों का थर्ड सेमेस्टर का, तो उसमें कुछ ही स्टूडेंट या फिर बोल सकते हैं 30-40% स्टूडेंट को बैक आई थी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में CSIT EE। तो दोस्तों, उन स्टूडेंट को भी डाउट है कि क्या मैं रेवोल्यूशन का फॉर्म फिल कर दिया हूँ, वो तो वैसे भी उनकी लाइन क्लोज हो गई है और बी फार्मेसी की भी जल्दी क्लोज हो जाएगी, कि मैं रेवोल्यूशन का फॉर्म फिल कर दिया हूँ, अब मैं निश्चिंत होकर अपने इस सेमेस्टर पर ध्यान दूँ और जो बैकलॉग थी वो क्लियर हो जाएगी, रेवोल्यूशन जो रिजल्ट आएगा वो विथ चेंज के साथ आएगा, ऐसा पॉसिबल है? तो यार, पॉसिबल तो है, लेकिन दोस्तों कभी कभी टीचर्स पर भी डिपेंड करता है कि रेवोल्यूशन में भी पास ना करें। इसलिए दोस्तों, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपने रेवोल्यूशन का फॉर्म फिल कर दिया है, कॉन्फिडेंस है, तो फिर नहीं पढ़िए कि आप चैलेंज के लिए अप्लाई कर देंगे, क्योंकि चैलेंज के लिए वही अप्लाई करता है जो 100% श्योर रहता है कि मुझे बैक नहीं आनी थी, मैं तो पास हो जाता, लेकिन बैक आ गई है, तो फिर आप चैलेंज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जो कि अपने दोस्त का देख के करते हैं कि दोस्त को बैक आई है तो उसने रेवोल्यूशन का फॉर्म फिल कर दिया है और मुझे भी बैक आई है तो मैं भी रेवोल्यूशन का फॉर्म फिल कर दे रहा हूँ, 500 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप अच्छा करके आए होगे, रिलेटेड कॉन्टेंट लेकर आए होगे, अच्छे पेजेस फिल कर आए होगे, या फिर बोल सकते हैं डायग्राम रिप्रेजेंटेशन अच्छे से करके आए होगे, तो चांसेस हैं कि आप विथ चेंज के साथ रिजल्ट में पास हो जाएंगे। लेकिन यार, अगर आप कुछ भी लिख कर नहीं आए हो, स्टार्टिंग में ही गलत कर दिया है, तो फिर आपका रिजल्ट विथ चेंज के साथ आने के बहुत ही कम चांसेस हैं। अब आपने अप्लाई इसीलिए किया है क्योंकि आपके दोस्त ने अप्लाई किया है और उसका देख के आपने भी अप्लाई कर दिया है। बाकी दोस्तों, अभी आपको पता होगा कि फिफ्थ सेमेस्टर बीई बीटेक वालों का रिजल्ट आ गया है रिवेल्यूएशन का, उसमें 80% स्टूडेंट का जो रिजल्ट रहा है वो विथ चेंज के साथ रहा है। तो यार, अगर आपने भी रेवोल्यूशन के लिए अप्लाई किया है तो चिंता ना करें, लेकिन इस सेमेस्टर को तो पढ़ते ही रहें, साथ साथ जब तक रेवोल्यूशन का रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक जिस भी सब्जेक्ट में बैक लगी है उसको भी थोड़ा थोड़ा टाइम देते रहें, जिससे कि आपने जो पढ़ा है या फिर आपको जो याद है वो आप भूल लेना एटलीस्ट। तो यार, जब तक रेवोल्यूशन का रिजल्ट नहीं आता है तब तक थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, उसके बाद अगर आपका रिजल्ट विथ चेंज के साथ आता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और नो चेंज के साथ आता है और आपको कॉन्फिडेंस है तो फिर हम चैलेंज के लिए अप्लाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, आई थिंक वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब वीडियो कर दे लाइक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।